ये क्या रॉकी? सांप क्यों सूंघ गया तुझे? कुछ पूछ रहा हूं मैं। ये क्या है और तेरे कमरे में कैसे आया? मुझे क्या पता? ये फालतू का है और फालतू इस कमरे में कभी नहीं आई। तो सच सच बता, ये धागा यहां कैसे आया? फालतू, अच्छा हुआ थे लोग यही मिल गए। अब इसके पहले घर पे सब मारी नाम की माला जपना शुरू कर दे। चलो यहाँ से जल्दी। अरे चली जाना घर, लेकिन अभी तुझसे कोई मिलने आया है। मारे से कौन मिलने आया है? Myself, जोगिंदर सिंह। ये तो वही सरदार है जो फालतू के हिलने में हेल्प कर रहा था, पर ये है कौन और फालतू से कैसे जानते हैं? प्यार नाल तुसी मैनू जोगी जी बुला सकते हो। मारा नाम फालतू सिंह है और बहुत बहुत धन्यवाद जी थारे को। थारे ने उस वक्त मारे को शॉट खेलने में मदद की ना। थे भी क्रिकेट खेलते हो पर थारे को यहाँ तो कभी पहले ना देखा। ना जी ना, मैं नहीं खेलता क्रिकेट, मैं तो बस ऑडियंस हैगा जी, छोटा जा। जो वेख्या आज तक उस तो सीखा मैं, ते अपने एक्सपीरियंस नाल मैनू जो सही लगया मैं तुहानू दसदा। इन्हां खोतियां नू वेखो, ਇਹ ਬਾਲ ਫੈਂਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਲੇ ਫੈਂਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਵਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਰੇ ਨਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਜੀ, ਜੋਗੀ ਜੀ, ਖੇਲਤੇ ਵਕਤ ਐਸੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੱਗਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮਾਰੇ ਕੋ ਸ਼ਾਟ ਖੇਲਣਾ ਬਤਾਇਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਕਰ ਐਸਾ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਖੇਲਤੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਸ ਥਾਰੇ ਕੋ ਦੇਖਾ ਔਰ ਬੱਲਾ ਘੁਮਾ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਸੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਦੂ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਯੂ। ਸੋਣਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਂਕ ਯੂ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ। निक्की? Small, छोटी? हाँ। माफ करना जोगी जी, पर मैं थारी मदद ना कर सकती हूँ क्योंकि मैं पहली राजन भाई साहब की टीम से खेल रहा हूँ, थारी टीम से कैसे खेलूंगी? तो मैं कदों गया, तुसी मेरी टीम तो खेलो। ओ मैं तो ऐसे खुद वाली टीम तो खेलने आया। पर थाने तो अभी कहा था सिर्फ बस वो फैन हो, खिलाड़ी ना। फालतू जी, ओ बहुत बोले हो तुसी। आ देखो, मारे को क्यों दिखा रहे हो? ये तो मारे को पता है ना सारी बात, ना दिमाग के ऊपर से जा रही है। जो भी बोलना चाहते हो साफ साफ कहो। ऐवी गल ठीक है फालतू जी, सीधी सीधी गल कर लेने हैं। मैं तुहानू सब कुछ साफ साफ दसना है जी। ए जड़ा पेज है ना तुहाडा, ए मैं बनाया तुहाडी बेगुनाही साबित करने लई। ये थैने बनाया, पर थे ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मैनू तुसी बहुत पसंद हो, मतलब तुहाडा गेम बहुत पसंद है जी, बहुत वधिया खेलदे हो तुसी। मैनू पूरा यकीन है गया तुसी इंसान भी उन्ने ही वधिया हो। हाजी मैनू तो यकीन नहीं होंगा कि तुहाडे जिहा प्लेयर किसी कोच नाल इहो जी गलत हरकत कर सकता है। तो फालतू जी, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਪਾ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਪਾ? ਉਸ ਸਿਆਪਾ ਪੰਗਾ, ਪੰਗੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਹੋਈ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ।
है, मेरा नंबर रखियो। जोगिंदर सिंह, स्पोर्ट्स टीवी रिपोर्टर, है गया मेरा नंबर। मैनु भी अपना नंबर दे दो ना, इफ यू डोंट माइंड। एक बार इंटरव्यू की डेट फाइनल हो जाए मैं तुहानू इनफॉर्म कर देवांगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी, थैंक यू। फालतू जी, एक बार तुहाडा इंटरव्यू मेरे पेज से छप जाए फिर असी भी देखते हैं किस पट्ठे की हिम्मत होंगी तुहानू अकैडमी च खेलन तो रोकन की। कॉल करांगा तो चक लेना, इग्नोर ना करना। प्रिय आदमी है कौन? एक तो आयान भी यहां पर नहीं आया, ऊपर से ये फालतू को यहां रोककर मेरा टाइम वेस्ट करे जा रहा है। सच में मुझे ऐसा लगता है फालतू ये आदमी सच में तेरी हेल्प करना चाहता है, ये फिर से तुझे एकेडमी पहुंचा सकता है। मैंने उसका पेज देखा है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है पेज बनाए हुए, और उसने सिर्फ कुछ ही आर्टिकल्स डाले हैं और इतने में ही लोग तेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो सोच, अगर इंटरव्यू आएगा तो बात कहां तक पहुंचेगी। पता नहीं क्यों पर हारे को बिना ये आदमी अपना सा लगा, ऐसा लगा इसे मैं कितने सालों से जानूं। अच्छा ये सब बाद में सोचना, चल अब घर चल, देर भी हो रही है ना तुझे। हां हां चलो चल चल। तनीषा का वीडियो कॉल लग गई बेटा यान। हाँ तनीषा, कहाँ हो तुम यान? इतना टाइम लगता है कि फोन उठाने में? अरे तुम्हारा कॉल आया तो ड्राइव कर रहा था, अब साइड पे लगाकर ही बात करूंगा ना। और आज वीडियो कॉल कैसे? कहीं तुम्हें शक तो नहीं हो रहा था कि मैं अपनी दोस्त की जगह किसी और से मिलने गया? नहीं आयान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम घर कब तक आओगे। बस आ ही रहा हूँ, रास्ते में। ओके। तनु, अभी सीट का कॉल आया था, आयान फालतू का मैच देखने नहीं गया, सीट फालतू के पीछे ही गया है। थैंक गॉड, मेरी भी आयान से ही बात हो रही थी, वो वाकई गाड़ी में। ग्रेट, इसी बात पर एक कॉफी हो जाए। कॉफी के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। रॉकी, रॉकी। तनिषा, कुछ काम था रॉकी से, वो बाहर गया है। कोई बात नहीं, मैं खुद कॉफी बनाकर लाती हूँ। तुम क्यों बनाओगी? मैं बनाती हूँ ना, तुम दोनों बैठो बातें करो। यार 10 मिनट हो चुके हैं, इतना टाइम क्यों लगा रही है ये? रॉकी, ये यहां क्या कर रहा है? और ये गर्ल्स वॉशरूम से क्यों निकला? ओह गॉड, ये रॉकी, रॉकी नहीं फालतू है। इतने दिनों से हमारे घर में हमें उल्लू बनाकर ये रह रही थी और हमें पता तक नहीं चला।
माय गॉड, एक मिनट, कहीं आयान को इस सच के बारे में पता तो नहीं है? तभी तो वो फालतू को लेकर इतना चिल्ड आउट है, ना उसे ढूंढ रहा है ना ही उसका मैच देखने आया। ओह माय गॉड, यहां मैं सोच रहा था सबसे चालाक मैं ही हूं, और इन दोनों ने मेरे गेम में मुझे ही हरा दिया। क्या बात है, क्या बात है। तनु के नाक के नीचे ये दोनों रोमांस कर रहे, और उसको खबर ही नहीं है। जैसे सो डैम कूल। सिद्धार्थ, तूने सोचा क्यों नहीं ये सब पहले? हाँ, अब आएगा ना असली मजा। इतने दिनों से मैं परेशान घूम रहा हूं कि आयान और तनु के बीच में आग कैसे लगाऊं, आयान और फालतू को पास कैसे लेके आऊं, और इन दोनों ने मेरा काम ही आसान कर दिया। यस, यस। मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया। सॉरी चाची, पर आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं वो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। एक्चुअली सवाल ये होना चाहिए कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। एक्चुअली हमें सिद से कुछ बात करनी थी। कहाँ है वो? अंदर ही है। हाँ वो अंदर है, पर वो सो गया। सो गया? इतनी जल्दी कैसे? उसने तो कहा था वापस आकर वो हमसे बात करेगा। तनिषा, तुम्हें पता ना मेरा बेटा कितना काम करता है। बेचारा आज थक गया था, जैसे घर आया से सो गया। तुम्हें पता है आज तो उसने खाना भी नहीं खाया। चाची, उसने वापस आने के बाद आपसे कुछ बोला? क्यों, उसे कुछ बोलना चाहिए था क्या? कमाल है, मुझे पता ही नहीं है कि आज सिड को कोई अनाउंसमेंट करना है। तनिषा, अगर तुम्हें पता है तो तुम बता दो। अरे नहीं, तनु कुछ भी बोल देती है। कोई बात नहीं, हम सिड से कल सुबह मिल लेंगे। चले तनु। ये क्या है रॉकी? क्या है वो लोग? ऑफ कोर्स चले गए। यू नो सिड, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। जब तू फालतू उर्फ रॉकी की सच्चाई जानता है तो उसकी जाके पोल क्यों नहीं खोल देता? सेट, ये फालतू ना बहुत चालू निकली। हमारे नाक के नीचे नाच रही थी, खुशी खुशी हमें खाना सर्व कर रही थी, और हमें पता तक नहीं चला। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बट मॉम, फालतू के अकेले की बस की बात नहीं है ये सब कुछ करने की। मुझे पक्का पता है उसमें हिम्मत ही नहीं है हमारे घर में जो वो ऐसे घुसा। आई एम श्योर ये जो वो आयान है ना, उसने ही उसको सपोर्ट किया है। तो अच्छी बात है ना, पर मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू किस बात का इंतजार कर रहा है। तड़प रहा था ना कि आयान और तनिषा में ऐसा कुछ हो जाए ताकि उनका रिश्ता टूट जाए, उनमें दूरियां आ जाए। जब आज तेरे हाथ में सच्चाई है तो जाके उनकी पोल क्यों नहीं खोल देता? चल उठ, कम ऑन, गेट अप, गेट अप, नीचे जा और सबको सच सच बता दो। मौके का फायदा ही तो उठाना चाह रहा हूँ मैं मॉम, इसलिए मैंने कनिका आंटी और तनिषा को कुछ नहीं बताया है। मतलब? अब जरा सोचो, अगर फालतू का घर में रहने वाला सच बाहर आ गया तो 2 मिनट में गेम नहीं खत्म हो जाएगा। रॉकी को बाहर निकाल दो, और क्या पता ये मामला यहीं का यहीं दबा रह जाए। आप देखते जाओ मॉम।
कैसे कल सुबह हम दोनों घर वालों के सामने ड्रामा करते हैं, कितना मजा आएगा तब। हम मतलब यू एंड मी, वाओ, आई जस्ट लव ड्रामा। बेचारी तरह, हाँ उसको लग रहा था कि अयान में काउंसलिंग के बाद इंप्रूवमेंट आ रही है, अब मैं उसे कल बताऊंगा कि वो इंप्रूवमेंट की असली वजह क्या है। फालतू, जिसे उसने रॉकी बनाकर घर में छुपा रखा है, और इतना ही नहीं छुप छुपा कर उसके साथ रोमांस करता है। ये सब तुम करोगे, मैं क्या करूंगी? I'm so proud of you. आप अब सो जाओ, मैं रॉकी और आयान को रंगे हाथों पकड़ने का इंतजाम करके आता हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सांप क्यों सूंघ गया तुझे? कुछ पूछ रहा हूं मैं, ये क्या है और तेरे कमरे में कैसे आया? मुझे तो धागा लग रहा है, निकला होगा किसी कपड़े से, मुझे क्या पता। रियली? नहीं पता तुझे? नहीं। ये कोई ऐसा वैसा धागा नहीं है रॉकी, ये फालतू का है, और फालतू इस कमरे में कभी नहीं आई। तो सच सच बता, ये धागा यहां कैसे आया? तनु यहां अकेली है, मतलब आयान जरूर फालतू के रूम में गया होगा। बोल, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। जानता है ना तू फालतू को? बता क्या छुपा रहा है मुझसे। मैं कुछ नहीं छुपा रहा, मैं नहीं जानता किसी फालतू फालतू को। बस दो तीन बार उसका नाम सुना है, वो भी आप लोगों के मुंह से ही। और वो जो आजकल उसका वीडियो वायरल हो रहा है ना, वो देखा था। और एक बात बता ना, इस धागे में ऐसा कहां लिखा है कि ये सिर्फ फालतू का धागा है? धागा तो किसी का भी हो सकता है ना। एक बात बताओ, आप पर इस फालतू का चक्कर क्या है? उसका नाम तभी क्यों बाहर आता है जहां आप होते हो? तुझे नहीं पता ना कि धागा इस कमरे में कैसे आया? फालतू को कॉल करता हूं मैं, अब वही बताएगी धागा यहां कैसे आया और तू मुझसे क्या छुपा रहा है। गई भैंस पानी में, हमारा फोन तो चालू है, घंटी यही बच जाएगी। रॉकी, सब यही करोगे क्या? फोन वीडियो कॉल जो करना ना अपने कमरे में जाकर करो, तो सोकर आराम से उठोगे। मुझे तो 6 बजे से उठकर सबकी सेवा में लगना होता है। एक अब तू बदतमीजी कर रहा है। मैं बस यही कह रहा हूँ, जो बात करनी है अपने कमरे में जाकर कीजिए। रॉकी मेरा फोन दे। रॉकी, सॉरी सर जी, वो एकदम से आपने चिल्लाया ना तो फोन गिर गया, माफ करना, सॉरी। गुड नाइट। कमाल है, ये रात को भी रॉकी बन के मिलती है क्या यान से? मुझे क्या, मेरे लिए तो इतना सबूत भी काफी है कि दोनों रात को छुप छुप कर मिलते हैं। बाकी रॉकी के फालतू होने का सबूत कल तो मैं सामने सबके लाइव दे ही दूंगा। चल सो जा सेड, कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। गुड नाइट। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सेट नहीं आया अभी तक। चाची, सेट उठ गया क्या? तनु उठ तो गया है, पर अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा। लेकिन क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाय साहब,
सिड इतना शर्मिंदा है कि मैंने उसको कितने बार बोला हमारे साथ चल के बैठ, बट उसने साफ मना कर दिया। ऐसा क्या हुआ चाची? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? आयान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमारे घर में हमें कोई धोखा देता रहा और हमें पता तक नहीं चला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।